हेलो और वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड वमिका 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 अभी आपको नजर आएंगे 83 में। वमिका मतलब एक इतनी बड़ी फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, ग्रेट फिल्म, मतलब मैं सालों बाद इतनी परफेक्ट फिल्म मैंने देखी है। एक ऐसी फिल्म से एसोसिएट होना भी मुझे लगता है बहुत बड़ी घटना है। वही है, और कोई रीजन ही नहीं है। पराग, जब मुझे ये फिल्म के लिए बताया भी गया था, तो जब ये बताया कि 83 के वर्ल्ड कप के ऊपर बन रही है फिल्म और कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे पता था कि इस फिल्म का स्केल क्या होने वाला है। एंड मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि मुझे इसका हिस्सा बनना है। आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, और वही हुआ है। और आई एम जस्ट सो हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और ये इतनी खूबसूरती से जो कबीर खान ने इतने सारी चीजों को जो एक फिल्म में बांध के प्रेजेंट कर दिया है, उसमें मैं भी एक छोटा सा हिस्सा हूँ। सो आई एम रियली हैप्पी। और मतलब कमाल की बात ये कि आपके और दीपिका के हिस्से में उस फिल्म में मीट कम था, लेकिन आप दोनों ने ही साबित तो कर दिया कि हाँ यार, अगर रोल छोटा सा भी है तो काम तो कर ही जाएंगे। यही मकसद था कि जैसे जब कर भी रहे थे तो आई रिमेम्बर देयर वर फ्यू पीपल हु वर टेलिंग मी कि फिल्म तो क्रिकेटर्स पे है ना, तो तुम्हारा क्या पार्ट होगा। तो मैंने कहा यार है जितना है जैसा है, इट्स नॉट अगर आपने फिल्म देखी होगी या आप देखेंगे तो फिल्म इज नॉट जस्ट अबाउट मैंने दो क्रिकेटर्स। बार देखी, अरे वाह तो मैं आज फिल्म का इज मॉर्निंग नॉट शो जस्ट भी देख अबाउट के आया आज क्रिकेटर्स। फिल्म। जी, आज सुबह मैं पूरे परिवार के साथ देख के आया। मैंने मतलब कपिल देव साहब के पहले फिल्म देखी, इस बात का भी प्रिविलेज हूं मैं। अरे वाह वाह वाह। तो भाई मेरा परिवार भी आज देखने जा रहा है। तो ये फिल्म ही ऐसी है कि इट्स नॉट द क्रिकेटर्स, इट्स अबाउट द क्रिकेटर्स, इट्स अबाउट पीपल हु आर एसोसिएटेड विद देम, इट्स अबाउट द फैंस, इट्स अबाउट एवरीवन हु वाज प्रेजेंट एट दैट मोमेंट व्हाइल यू नो ये जब इन ये जो इवेंट जब हो रहा था। तो ये फिल्म सबकी है और मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मुझे कैरेक्टर प्ले करने को मिला एंड अलोंग साइड दीपिका। एंड कुछ कुछ चीजें जो मैंने अपने दिमाग में रखी, बातें कैरेक्टर को लेके जो शायद फिल्म में भी नहीं कहीं मतलब, पर मुझे उस कैरेक्टर को स्टडी करने में, अनुलाल के कैरेक्टर को और स्टडी करने में, रिसर्च करने में इतने से पार्ट के लिए भी बहुत मजा आया। हाँ तो आई मतलब वॉज रियली ये एक्साइटेड। फिल्म देख के एक बात का एहसास होता है कि जनरली जो क्रिकेट फैंस होते हैं, अरे यार मारना मार, अच्छी लूज बॉल थी मार देता है ना, लेकिन उस समय जो प्रेशर्स होते हैं और खासकर उनके घर वालों पे प्रेशर होते हैं कि यार मेरे पति की बॉल पे चौके ही चौके पड़ रहे हैं गुरु, है वो कितना प्रेस होता है। मतलब सोचो वो इतनी वल्नरेबल होती है उस वक्त कि वहां से आ जाती है और मम्मी को बोलती है कि मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मतलब कितना प्रेशर है उन सब पे उस वक्त, और वाइब्स पर भी कि, और वो उस वक्त वेस्ट इंडीज के लोग उनको तंग कर रहे हैं और वहां से, तो मतलब वो आपको पता चलता है कि ये सब सिर्फ क्रिकेटर्स की जो गेम है ये सिर्फ उनकी नहीं होती है, उनके परिवारों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही प्रेशर वाला समा होता है यू नो। और हाँ, तो ये सब फील करना उस वक्त कि उस वक्त क्या माहौल था। और जैसे आपने फिल्म में देखा है कि वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं था, वो पूरे इंडिया में जो लहर उठ गई थी ना कि अरे इंडिया फाइनल्स में पहुंच गया है और ये हो रहा है, तो मतलब वो पूरे इंडिया की सेलिब्रेशन थी वो उस वक्त। तो टू बी पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन, आई वाज सो वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल कि करने मतलब को मिला। आप अभी आप बहुत छोटी है, आप रिक्रिएशन का पार्ट है, हम उस समय के विटनेस है जब हम ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर अपट्रॉन के देख रहे थे मैच और अरे हिंदुस्तान पागल हो रखा था उस समय। मैं 8th या 9th में था और वो जो फिल्म के लास्ट में कपिल देव साहब बोलते भी है कि हमको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, वैसे किसी को नहीं मालूम था कि क्या हो रहा है, वो बयां करना मुश्किल है वो एक्सप्रेशन। सो बिल्कुल ऐसी ऐसे रिक्रिएशन का हिस्सा होने के लिए आपको ढेर सारी बधाई, और वैसे ही आप बहुत कमाल की एक्ट्रेस है, आई रियली एडमायर यू। आप
अलग अलग सिनेमा आप करती रही हैं, ट्रूली इंडियन एक्ट्रेस जिसको कहें कि आप पंजाबी भी करती है, हिंदी भी करती है, तमिल भी करती है, तेलुगु भी कर लेती है, तो मलयालम भी। मलयालम भी, और हर काम आप बहुत कमाल का करती है मामिका, ये बात मैं निश्चित तौर पे कहूंगा। आपकी वेब सीरीज भी मैंने देखी, वो भी बड़ा अद्भुत आपने काम किया ग्रैंड में। थैंक यू पराग, दैट्स वेरी तो स्वीट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये एक्ट्रेस का उदय कैसे हुआ, एक्ट्रेस जन्म कैसी ली वामिका? तो मेरे डैड कहते हैं कि जब मैं पैदा हुई थी और मैंने उन्होंने ऐसे पकड़ा था, तो कहते तुमने अपनी इतनी बड़ी आंखें खोल के मुझे देखा और मैंने तुम्हें शहद दिया था, तो ऐसे कर रही थी और कहती है पता नहीं उस मोमेंट में मुझे लगा था कि तुम आर्टिस्ट बनोगी। तो मुझे लगता है कि शुरू से मुझे ये फीड ही किया गया था कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं आर्ट में कुछ करूंगी। तो वो करते करते आई थिंक मेरा वो पूरा एक ना क्या कहते हैं पूरा आर्ट प्रोसेसिंग के, भी इस तरह से हो गया। आर्ट के लिए वो प्यार आता गया आता गया। मैं डैड इज राइटर, तो वो एक वो मुझे टैगोर थिएटर में या कला भवन में जाके प्लेस दिखाने, मुझे और मेरे भाई को, हमें हमेशा आर्ट से जोड़ के रखना और अपनी स्टोरीज नरेट करते रहना या बुक्स पढ़ते रहना। तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं वो अंदर ही था कि इसके इसके अलावा और क्या कर पाएंगे, इसी में बड़ी खुशी मिलती थी। और मेरे डैड हमेशा ये बोलते हैं कि काम वही करना जिसमें खुशी मिले, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, तो बहुत बंद के रह जाओगे लाइफ में। तो वही फिर ऐसे मतलब मैं मुझे तो लगता है मुझे बस सब बस सबकी वजह से ये हुआ है, यू नो। एंड आई एम वेरी हैप्पी वेर आई एम, वट आई एम डूइंग इन माई लाइफ। मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट 2-3 साल पहले तक शायद मैं इतनी खुश नहीं थी। मैं जैसा जो कुछ फिल्में कर रही थी, मुझे वो काम करने को नहीं मिल रहा था जो मैं करना चाहती थी या जो मुझे लग रहा था कि जिसमें मजा आना चाहिए। शायद मैं भी उतनी केपेबल नहीं थी उस वक्त, पर पिछले 2 सालों में खुद भी बहुत कुछ सीखा समझा, बहुत लाइफ मेरी चेंज हुई है पिछले 2-2.5 सालों में, यू नो पर्सनली और प्रोफेशनली। पिछले 1 साल से द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई एम डूइंग, एकदम से मेरी लाइफ सी बदल गई है और मैं बैक टू बैक इतनी अमेजिंग चीजें कर रही हूँ कि अब मैं इतने मजे में हूँ, ऐसे आनंद में अपनी जिंदगी जी रही हूँ पूरे फुल। आप राइटर की बेटी है, है तो इस तरह का माहौल तो आपको बचपन से मिला है मतलब। अरे पूरी लाइब्रेरी है और डैड के रूम के अंदर बुक्स और बाहर लाइब्रेरी, एक क्या कहते हैं मेक डू लाइब्रेरी उन्होंने बनाई हुई है। अब तो प्रॉपर हमने इसी साल स्टार्टिंग में आई मेड श्योर कि मैं उनके लिए एक अच्छी सी लाइब्रेरी बनवाऊं, तो मैंने उनके लिए एक से बहुत सुंदर सी लाइब्रेरी बनवाई है, एक दीवार पे प्रॉपर करते हुए क्या सब बात उनकी बुक सामने है। तो और आप देखेंगे आप थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे कि मेरे डैड राइटर है तो मुझे बुक्स पढ़ने का उतना शौक नहीं है, तो मैंने अपने डैड की सारी बुक्स नहीं पढ़ी है। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे मुझे किसी ने यह बात बोली थी कि किताबें किताबों के पास तुम जबरदस्ती नहीं जा सकती हो, किताबें तुम्हारे पास आती हैं। तो अब मेरे पास मुझे लगा दिस इज द टाइम कि मेरा वो किताबों के साथ रिश्ता शुरू होने वाला है। मैंने अपनी मैं एक शो कर रही थी जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा, तो वो शो बन रहा था मिडनाइट चिल्ड्रन पे। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी की बुक है, तो मैंने वो दैट वाज माय फर्स्ट बुक जो मैंने पूरी पढ़ी, क्योंकि वो मैं उस पे काम करने वाली थी, यू नो। तो वो जिस डेडिकेशन से मैंने पढ़ी, और उसके बाद से अब मुझे ऐसा, अब मैंने आई स्टार्टेड बाइंग बुक्स, तो अब मैंने ना बुक्स खरीद के रखी है। तो पहली बार मेरी लाइफ में अब ये मेरा फेज शुरू हो रहा है जहां पर मैंने बुक्स खरीद ली है, कुछ कुछ पेजेस पढ़ने शुरू करे, तो मेरा रिश्ता ना बुक्स के साथ बनना शुरू हो गया। मेरे डैड बहुत खुश है और अब मुझे क्योंकि अपने क्राफ्ट में भी ज्यादा समझ आने लग गया, तो अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि बुक्स पढ़ना कितना जरूरी है। इवन अगर इफ आई वांट टू बी अ बेटर एक्टर, इट्स सो इम्पोर्टेंट टू रीड बुक्स नाउ। तो वो आई थिंक मेरा भी एक अलग फेज शुरू हो रहा है, यू नो। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बिगिन मुझे दिस लगता है फेज। कि एक एक्टर की जिंदगी में किताबों का होना उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप का होना है, क्योंकि वो जो सब टेक्स्ट है, जो किताबें आपको समझा सकती है, वो अद्भुत है। या यू आर राइट, आई एग्री विद यू एंड दैट इज द वर्ल्ड अब मैं उसमें एंटर करने वाली हूँ, कर चुकी हूँ, पर
पर और एक्सप्लोर करने वाली हूँ. आई थिंक वो ऐसा होता ना कि पापा की मिठाई की दुकान हो तो आपको इतनी मिठाई पसंद नहीं आती है, तो मेरे साथ ऐसा ही हो गया कि इतनी सारी बुक्स रहती थी, इतना कुछ होता था कि मैं बुक से बहुत दूर चली गई. और अब मैं वापस से बुक्स के साथ, एक मुझे लगता है कि एक वो वक्त आएगा कि जो घर पे पूरी लाइब्रेरी है यू नो, वो मेरी लाइब्रेरी भी हो जाएगी एक दिन. सो आमीन आमीन. बिल्कुल. तो अभी मम्मी का ये सारी चीजें हो रही है अच्छी अच्छी. अब बिल्कुल लेटेस्ट में हम आपको किस किस में देखेंगे, किन किन प्रोजेक्ट्स में हम देखने वाले हैं? तो 83 तो अभी रिलीज हो ही गई आज. हाँ जी, कुछ पंजाबी फिल्में हैं जो रिलीज हो रही हैं. एक गल बकरी है, एक्चुअली मेरे 3 पंजाबी फिल्में जो भी रिलीज होंगी जो पैंडेमिक से पहले शूट हुई थी. एक तो पैंडेमिक के बाद भी शूट हुई. फिर नेटफ्लिक्स के लिए सीरीज है जिसका नाम है माई. क्लीन स्लेट फिल्म्स ने इसको प्रोड्यूस किया है, इट्स फॉर नेटफ्लिक्स. और साक्षी तन्वर के साथ मैंने काम किया है, तो आई एम वेरी लकी कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ पहली बार. 7 साल हो गया बॉम्बे में रहते, पर दिस इज द फर्स्ट ईयर दैट आई एम वर्किंग इन बॉम्बे. पिछले साल मतलब मैंने पूरा साल बॉम्बे में काम किया. और खुफिया विशाल सर के साथ, विशाल भारद्वाज के साथ खुफिया की है जिसमें तब्बू है, अली फजल है. तो मेरी लाइफ तो बहुत ही ऐसे, मतलब ऐसे मैं ग्रेटफुल ही हो सकती हूँ और कुछ नहीं, कि आई एम गेटिंग टू वर्क विद सच गुड पीपल. मेरा पैंडेमिक के बाद मेरा पहला प्रोजेक्ट ग्रहण था, तो जो मैंने शूट किया था, तो ग्रहण से मेरी शुरुआत हुई पैंडेमिक के बाद. उसके बाद से चीजें बस और खूबसूरत ही होती जा रही है. तो आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम ऑलरेडी वेरी हैप्पी एंड एंजॉयिंग माई वर्क राइट नाउ. तो मुझे इतना वो नहीं अभी कि अरे ये बाहर आएगा तो क्या होगा, वो क्या होगा. मैं एक्साइटेड हूँ देखने के लिए, पर मैं ऑलरेडी बहुत खुश हूँ जैसे मेरी जिंदगी चल रही है, जो मैं काम कर रही हूँ. इतना मजा आ रहा है इन लोगों के साथ काम करके, इन जैसे सेंसिबिलिटी के साथ यू नो ये काम करते हैं या आपसे काम निकलवाते हैं, बहुत मजा आ रहा है. मैं आपसे मिलकर वाकई दिल से खुशी हुई, क्योंकि काम करते रहने में जो खुशी है उसका एंड रिजल्ट का धाक दुख वो ऊपर वाला जाना है, वो प्रोड्यूसर जाना है. सेकेंडरी चीज है, काम करने की खुशी जो है उसका मजे लेते आए तो जिंदगी सॉर्टेड है. बिल्कुल. तो चलिए, आप हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि ऐसी खुशियां आपकी जिंदगी में आते रहे, आप ऐसी खुश रहे और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करते रहे. यू स्काई इज द लिमिट फॉर यू. You are such a mind blowing actor. So, learning. अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में आपको देखने का इंतजार रहेगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पराग, सो नाइस टॉकिंग टू यू.